में आए दिन निष्पक्ष व निर्भीक पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों पर झूठे मुकदमे, हमले व मारपीट से संबंधित मामले रोज प्रकाश में आ रहे हैं। बीते रविवार को भी बुरहानपुर में इसी तरह का मामला सामने आया, जिसमें खकनार थाने में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक द्वारा खकनार निवासी पत्रकार प्रकाश जाधव को थाने बुलाकर उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। थाने में इनका आतंक का वीडियो साफ देखने को मिला। पुलिस की वर्दी का दुरुपयोग करते हुए पीड़ित को धमकाते और पीटते नजर आए। दरअसल मामला जमीन व मकान बनाने से जुड़ा है। पत्रकार अपनी 25 वर्ष पुरानी जमीन पर निवास करने हेतु उसका मकान बन रहा है। इस पर ग्राम पंचायत के उपसरपंच राजू चौहान ने आपत्ति ली और 19 अप्रैल को 100 डायल कर पुलिस बुलाकर पत्रकार प्रकाश जाधव की शिकायत की। शिकायत के बाद पुलिस ने पीड़ित को थाने ले गई और उसके बाद पुलिस ने प्रकाश यादव पर ही धारा 151 के तहत कार्रवाई करते हुए पीड़ित पर केस बना दिया। पीड़ित ने कहा, पुलिसकर्मी उपसरपंच के पक्ष में रहते हुए गलत कार्रवाई कर रहे हैं। मेरे पास मकान के दस्तावेज हैं और उक्त मामला राजस्व विभाग से जुड़ा है, इसमें पुलिस कार्रवाई कर रही है। इसके बाद खकनार थाने में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक आग बबूला हो गया और पीड़ित पत्रकार की पिटाई कर दी। बता दें कि पीड़ित पत्रकार प्रकाश जाधव को पूर्व से ही आभास था कि पुलिस उनके साथ मारपीट कर सकती है। इसके चलते सुरक्षा की दृष्टि से अपने पास सबूत के तौर पर कुछ और पत्रकारों ने अपने मोबाइल से थाने के भीतर जाने के पूर्व अपने मोबाइल का कैमरा चालू कर लिया और उसके बाद मारपीट गाली गलौज की पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई। हालांकि पुलिस ने पत्रकार द्वारा वीडियो बनाए जाने पर आपत्ति जताई और कहा कि थाने की गोपनीयता भंग हो रही है, अपना कैमरा बंद कर दो। तभी पत्रकार ने जवाब दिया कि भले ही आप मेरी जान ले लो, लेकिन कैमरा बंद नहीं होगा क्योंकि मेरे साथ मारपीट कर रहे। इस मारपीट का वीडियो उच्च अधिकारियों को बताकर न्यायालय में जाकर उचित कार्रवाई की मांग करूंगा। इस पूरे मामले को लेकर सशक्त पत्रकार समिति, यूनाइटेड प्रेस ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा के पदाधिकारियों में तफजुल हुसैन मुलायमवाला, प्रदेश महासचिव राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा उमेश जंगाले, प्रदेश अध्यक्ष सशक्त पत्रकार समिति रिजवान अंसारी, प्रदेश अध्यक्ष यूनाइटेड प्रेस ऑर्गेनाइजेशन व अन्य पदाधिकारियों ने पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार को पत्र सौंपते हुए ऐसे पुलिसकर्मी जो पुलिस की साफ सुथरी छवि खराब करने में लगे हैं, इनकी वजह से पुलिस विभाग का नाम बदनाम हो रहा है, ऐसे पुलिसकर्मियों को निलंबित कर उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार ने कहा, जल्द ही इस मामले की जांच कर जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाए। द्वारा सशक्त पत्रकार समिति, राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा, यूनाइटेड प्रेस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से हम एक शिकायत करने ज्ञापन देने आए थे। इसलिए आए थे कि हमारा एक साथी पत्रकार साथी है जो कि खटनार के अंदर पदस्थ है, प्रकाश जाधव नाम है उसका, और उसका कुछ जमीन का विवाद है। उस विवाद के अंदर 100 नंबर डायल की पुलिस ने उनको बिठा के थाने पर लेके गए और उनके साथ में अभद्र व्यवहार किए, और एलएम मोरी जो वन स्टार है उन्होंने उनको मारा पीटा भी। ऐसे लोग जो पुलिसकर्मी हैं, पुलिस का नाम बदनाम करते हैं। हम शासन से और एसपी साहब से निवेदन करते हैं कि उस बंदे के ऊपर, उस वन स्टार एलएम मोरी के ऊपर कार्रवाई की जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। देखिए, एक तो पत्रकार साथी हमारा जो कि खकनार क्षेत्र में रहता है, वो उसका मकान का जो निजी मकान का कार्य कर रहा था, मकान बनाने का काम, तो कल की घटना ही है। कल कुछ पुलिसकर्मियों ने वहाँ पर थाने में बुलाया, खकनार थाने में, और जो है कि उसके साथ में उसको मकान बनाने से रोका, उसके साथ में अभद्र व्यवहार किया, अपशब्द बोले, और उसकी एलएम मोरे द्वारा जी द्वारा जो है कि पिटाई चालू कर दी, उसको बहुत मारा भी थाने में बुलाकर। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस की जो साफ छवि, ऐसे पुलिसकर्मी पुलिस की साफ छवि ख़राब करने पे उतारू है, अच्छी छवि उनकी ख़राब करे पुलिस, कहीं ना कहीं ऐसे पुलिस वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए उनको उनके जो कार्यभार से निलंबित किया जाना चाहिए और उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाना चाहिए। आज इसी मामले को लेकर हमने एसपी साहब को ज्ञापन दिया, जिसमें राष्ट्र पत्रकार मोर्चा, सशक्त पत्रकार समिति और यूनाइटेड प्रेस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पत्रकारों ने उनको ज्ञापन सौंपकर इसमें कार्रवाई की, उचित कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम? मैं उमेश जंगाले, सशक्त पत्रकार समिति प्रदेश अध्यक्ष। सर, ये पत्रकार के साथ जो घटना हुई है, जो आपको आवेदन दिया है, उसके बारे में क्या है? थाना खकनार से संबंधित एक जो आवेदन पत्र है जी, जो प्रकाश जाधव द्वारा दिया गया है, इसमें जो तथ्य लिखे हुए हैं, और अन्य चीज़ों जो
उसमें जांच करवा के जो भी। बुरहानपुर से शकील खान की रिपोर्ट।